स्वागत है आपका फन फाइनेंस में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक अमेरिकन एक्सप्रेस के मेंबरशिप रिवॉर्ड कार्ड के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास ये कार्ड है या अगर आप ये कार्ड लेना चाहते हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि 1 फरवरी 2020 से अमेरिकन एक्सप्रेस में रिवॉर्ड्स और बहुत सारी चीजों में चेंज किया है। नए रिवॉर्ड रिडम्पशन ऑप्शन इंट्रोड्यूस किए हैं और कुछ पुराने ऑप्शंस निकाल दीजिए। अगर आप रिवॉर्ड रिडम्पशन का ही डायरेक्ट देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे टाइमर दे दूंगा आपको। वो टाइमर में आप देख सकते हैं कि कौन से मिनट पे आपको डायरेक्टली रिवॉर्ड रिडम्पशन का मिलने वाला है। और अगर आपने ये कार्ड नहीं लिया है और उसके डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप कंटिन्यू वीडियो देखिए। बट तो आइए शुरू करते हैं कि अमेरिकन एक्सप्रेस का जो क्रेडिट कार्ड है मेंबरशिप रिवॉर्ड, उसमें ऑफर्स क्या रहती है, क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहले इसका जो बेस बेनिफिट होता है वो होता है 1000 जो पॉइंट्स मिलते हैं आपको एवरी मंथ मिलते हैं अगर आप 4 ट्रांजेक्शन करते हो 1000 या उसके अबव के। आपको सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन करने 1000 या उसके अबव, दैट्स इट कैलेंडर मंथ में, और आपको 1000 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये एडिशनल मिलते हैं जो आपको नॉर्मल पॉइंट्स मिलने वाले रहते हैं उसके अलावा मिलते हैं। अगर आप 100 स्पेंड करते हो तो ऐसे आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। उसके अलावा अगर आपके कैलेंडर मंथ में 4 ट्रांजेक्शन हो जाते तो आपको 1000 पॉइंट मिलने। ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है और मेन रीज़न यही होता है लोग ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए। सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, उससे अप्लाई कीजिए। आपको कोई फर्स्ट ईयर में कोई फीस पे नहीं करनी होगी और सेकेंड ईयर से आपको 1500 रुपीज़ फीस होगी। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो वेव कैसे कराते हैं और उसकी सारी डिटेल्स में आपको रिवॉर्ड जो रिडम्पशन है उसमें मैं सारी डिटेल्स उसकी शेयर करूंगा। और अगर आप वो लिंक से कार्ड अप्लाई करोगे और 5000 रुपीज़ फर्स्ट 60 डेज में स्पेंड करते हो तो आपको 2000 बोनस पॉइंट्स भी मिल जाएगा, तो काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा आपको। उसके अलावा अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो ये कार्ड ऑलमोस्ट इंडिया के बड़े बड़े मेजर सिटीज है उन सब में है, जितने की लिस्ट मुझे पता है जहां कार्ड अप्रूव होता है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा आप लिंक में जाके अप्लाई करके देख सकते हो, आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपकी सिटी में ये कार्ड अप्रूव हो रहा है या नहीं। और अगर कोई सिटी में अप्रूव हो नहीं रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट में बताएं ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले। उसके अलावा कंपनी कार्ड अप्रूवल के लिए आपका सिबिल भी चेक करती है, अगर आपका सिबिल खराब हो तो आपको चांसेस है ये कार्ड न मिले। तो अभी हम बात करते हैं 1 फरवरी से जो नए चेंजेस आए हैं रिवॉर्ड्स के इसमें और सप्लीमेंट्री कार्ड के इसमें, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 2 सप्लीमेंट्री कार्ड आपको फ्री होते हैं इसमें, और अगर अभी आप सप्लीमेंट्री कार्ड अप्लाई करते हो 2 सप्लीमेंट्री कार्ड पे आपको 500 अमेज़न वाउचर मिलेगा, मतलब आप 1000 रुपीज़ का वो बेनिफिट ले सकते हो। बट सिर्फ आपको अब जब कार्ड अप्लाई करते हो और आपको सप्लीमेंट्री कार्ड अप्रूव होके आता है तो आपको 30 डेज के अंदर कार्ड आने के बाद में 1000 रुपीज़ का एक ट्रांजेक्शन करना है, एटलीस्ट 1000 का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तो आपको वो 500 का अमेज़न का वाउचर मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा बेनिफिट है मैं ये बोल सकता हूँ। उसके अलावा जो इन्होंने अभी चेंजेस किए, मेन चेंजेस किए वो पॉइंट रिडम्पशन में किए। पहले 12000 पे आपको 5310 की क्रेडिट मिलती थी, मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था, उन्होंने अभी वो डिसकंटिन्यू कर दिया है। अभी आपको वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा, अभी आपको जो ऑप्शन अवेलेबल रहेगा वो 18000 और 24000 पे रिडम्पशन का रहेगा। उसके अलावा उन्होंने क्लब विस्तारा और बहुत सारे दूसरे ऑप्शन अवेलेबल किए हैं, बट मेरे लिए जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगते हैं वो 18000 पॉइंट्स और 24000 पॉइंट्स पे है। 18000 पॉइंट्स पे जिन लोगों को ताज वाउचर लेना है या 24000 पे, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इन्होंने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है या नया वाउचर इंट्रोड्यूस किया है, आप ताज वाउचर पे रिडीम कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो 18000 पे 9000 का आपको ताज वाउचर मिलेगा, जिसका 50 पैसे का आप देख सकते हो, मतलब 1.50 पैसे का कन्वर्जन मिलेगा। और अगर आप 24000 पे करते हो तो आपको 14000 का मिलेगा, मतलब 58 पैसे का कन्वर्जन मिलेगा। बट अगर आपको ट्रैवल वाउचर लेना है तो आपको ये कन्वर्जन रिड्यूस हो जाएगा 7000 पे, 18000 पे। और अमेज़न वाउचर लेना चाहते हो तो फिर भी 7000 का, और स्टेटमेंट क्रेडिट पे आपको 6000 रुपये मिलेंगे, तो आपको 33 पैसे का कन्वर्जन मिलेगा। और अगर आप 24000 में आप स्टेटमेंट क्रेडिट लोगे तो आपको 37.5 का कन्वर्जन रेशो मिलेगा। तो थोड़ा सा ये कन्वर्जन रेशियो पहले हायर हुआ करता था, 42-44 पैसे के आसपास हुआ करता था, 41 अगर स्टेटमेंट क्रेडिट में मैं बात करूँ तो, दोनों में वो कम हुआ है। बट आपको ये ताज वाला ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुआ है जो पहले नहीं रहता था। अभी मैं बात करता हूँ इसकी कि आप फर्स्ट ईयर ये कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आपके पॉइंट स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। अगर आपने ज्वाइन किया था और फर्स्ट 60 डेज में आपने वो ट्रांजेक्शन कर दिया रहेगा
5,000 rupees का, तो आपको ये 2,000 rupees का एडिशनल बोनस मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप फर्स्ट 90 days में 25,000 का ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 2,000 बोनस पॉइंट और मिलते हैं। मैं वो काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका 25,000 का ट्रांजेक्शन नहीं होता है। इसके लिए मैं सिर्फ मानता हूँ कि आपने वो 5,000 का ट्रांजेक्शन कर दिया और आपको ये 2,000 पॉइंट्स मिल गए। एवरी मंथ आप जो 1,000 के 4 ट्रांजेक्शन करोगे उस पर आपको 12,000 पॉइंट मिलेंगे। और आप जो पॉइंट्स ऐड कर रहे हो, मतलब हर महीने 4 ट्रांजेक्शन करोगे 1,000 के और ऐसा 12 महीना करोगे, तो उस पर आपको 100 पे 2 पॉइंट्स मिलेंगे, तो आपको 960 ऐसे ही पॉइंट मिल गए। तो आपको फर्स्ट ईयर में जो पॉइंट्स मिलेंगे वो 14,960, मतलब ऑलमोस्ट 50,000 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप ये बेसिकली भी ये कार्ड यूज कर रहे हो। और अगर मैं इसका कन्वर्जन देखूँ, ये जो मैंने कन्वर्जन लिया है 38.9 लिया है, वो है Amazon वाउचर को। मैं मानता हूँ कि अगर आप Amazon पे कन्वर्ट Amazon वाउचर लेना चाहते हो तो इसके हिसाब से आपको फर्स्ट 1,000 में जो फर्स्ट ईयर में जो बेनिफिट होगा वो होगा 5,800 के आसपास, और ये 12% होता है। 48,000 का 12% निकालोगे तो इतना अमाउंट आएगा। और अगर हम मान के चले कि आप स्टेटमेंट क्रेडिट लेना चाहते तो उसके हिसाब से अगर इसका कन्वर्जन लगाए 33 पैसे से, फिर भी आपको 5,000 का ऑलमोस्ट 4,986 रुपीज़, मतलब 5,000 का बेनिफिट होगा। और आपको कोई फीस नहीं देनी है, तो पूरे के पूरा बेनिफिट मतलब 10% के करीबन तो बेनिफिट आप फर्स्ट ईयर में ले ही सकते हो। तो डेफिनेटली आपने कार्ड अप्लाई करना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे रहा है। सेकेंड ईयर में अगर हम बात करें तो इसमें फीस है। ये फीस वेवर कब होगी? अगर आप 1.5 लाख का ट्रांजेक्शन कर लेते हो पूरे साल भर में, आपने जब से कार्ड लिया है तब से 1 साल हो जाता है, और उसमें अगर आप 1.5 लाख का ट्रांजेक्शन कर लेते हो तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। अगर आप 1.5 लाख का ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हो, आप 90,000 का ट्रांजेक्शन करते हो पूरे साल में, तो 50% फीस वेव ऑफ है। आपको सिर्फ 750 रुपया फीस देनी है और GST, मतलब आधी फीस देनी है आपको। उसके अलावा अगर मान लेते हैं कि आपका ट्रांजेक्शन नहीं होते, 90,000 नहीं होते, आप यही 4 ट्रांजेक्शन कर रहे हो, 1,000 ही आप ऐड कर रहे हो और वो आपके यूज हो जाते हो, फिर भी अगर आपको ये कार्ड अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, रिवॉर्ड रेशियो चेंज हुए, फिर भी आपको ये कार्ड अप्लाई करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। ये डिटेल देखिए, सेकेंड ईयर में आपको जो बेनिफिट मिलेगा 12,000 पॉइंट्स का ही मिलेगा और 960 पॉइंट का मिलेगा, तो टोटल आपको 12,960 पॉइंट मिल जाएगा। अगर मैं इसका अमेजोन के हिसाब से रेशियो में कन्वर्ट करूँ 0.389 से, 5,040 रुपये का कन्वर्जन आ जाता है। और उसको मैं नेट ऑफ करूँ, मतलब 1,770 रुपये निकाल दूँ, तो भी आपको 3,200 रुपीज़ का बेनिफिट मिलता है। और अगर आप स्टेटमेंट क्रेडिट चाहते हो और आप, तो भी आपको 4,300 रुपीज़ का ये बेनिफिट होगा। और अगर इसमें से आप ये फीस का भी ये फैक्टर निकाल देते तो भी 25% का। और अगर आप देखोगे ये ओवरऑल जो परसेंटेज है, ये 7% to 5% है। दोस्तों, कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको 7% to 5% का बेनिफिट नहीं देता है, तो डेफिनेटली आपने ये कार्ड अप्लाई करना चाहिए। काफ़ी अच्छा कार्ड है, फीस वेवर आपको मिल जाता है। उसके अलावा कस्टमर केयर के मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और यहाँ पर डिस्प्ले पे भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई भी डाउट है तो आप कस्टमर केयर में भी कॉल कर सकते हो। आपको जो ये 18,000 पॉइंट्स अगर पे 7,000 का अमेजोन का वाउचर रिडीम करना रहेगा, तो आपके 15 मंथ्स में ही हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपके ऑलमोस्ट 15,000 पॉइंट्स हो रहे हैं और नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपको 1,000 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, तो 18,000 प्लस पॉइंट्स हो जाएंगे। तो 15 मंथ्स में आपके इसका अमेजोन का 7,000 का वाउचर भी रिडीम कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा कार्ड है, काफ़ी बेनिफिशियल है, कस्टमर सर्विस काफ़ी एक्सीलेंट है। तो ज़रूर ये कार्ड अप्लाई करें। अगर आपको क्राइटेरिया में आप फिट होते हो, एलिजिबल हो, तो ज़रूर ये कार्ड अप्लाई करें। कोई भी क्वेश्चन हो इस कार्ड के रिलेटेड, पॉइंट्स रिडम्पशन के रिलेटेड क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके क्वेश्चन ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू, जय हिंद।